नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों। उमरिया जिले में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की श्रृंखला में जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम स्थानीय सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर वर्चुअल के माध्यम से मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मुख्य अतिथि में रविंद्र भवन भोपाल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उमरिया जिले में भी आयोजित किया गया। एवं आयोजित कार्यक्रम के दौरान बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और छड़ी का वितरण किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर स्थान रखने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह एवं जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी एवं संबंधित विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी कर्मचारियों सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। ग्राम की तरफ से उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग ने भी उत्सव में वो लिया स्थापना पे मतलब आयोजन पे हिस्सा लिया है, और किसी ने खेल पे, किसी ने खो खो में, कबड्डी में, जिसमें हम लोग ने भी पुरस्कार प्राप्त किया। और ये बड़े उत्साह से एक हफ्ते कार्यक्रम चला, जिसे मनाया गया, जिसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी मनाया गया और नगरी प्रांतों में भी इसे मनाया गया है क्षेत्रों में, और सभी ने पुरस्कार प्राप्त किया। हम शासन प्रशासन का मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में 7वें दिवस पर पुरस्कार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल से सीधा प्रसारण भी देखा गया हमारे द्वारा, और कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय और जिला पंचायत सीओ, अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा, हमारे सभी जिन्होंने पूरी सक्रियता के साथ में कार्य किया है, उन सबको सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इस प्रकार की सामाजिक कार्यकर्ताओं को कर्मचारियों स्थापना दिवस 1 नवम्बर से प्रारंभ हुआ था, 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ, जहाँ मध्य प्रदेश में सभी अच्छे काम करने वाले अधिकारी और सामाजिक संगठनों को सम्मानित किया गया। उसी के तहत आज उमरिया जिले के सामुदायिक भवन में भी यहां पर सभी सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों में, खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को और आम नागरिकों को यहां पर माननीय विधायक जी, माननीय कलेक्टर साहब और हमारे सभी संगठन के लोगों ने उन्हें पुरस्कृत किया, और मध्य प्रदेश को और जिले को अव्वल बनाने के लिए सबने एक बार तक कार्यक्रम रखा गया था, जो हमारे जिला भी में नित नए रोज कार्यक्रम, कई योजनाओं का लाभ दिया गया, रंग खेलकूद किया गया, खो खो की गई, राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर किया गया। आज इसका समापन यहां पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की किया गया है, हमारे यहां भी कई लोगों को सम्मान किया गया, अधिकारियों को, समूहों को, बच्चों को, जितने भी लोग यहाँ पर उत्साहित करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो अन्य नए कार्यक्रम योजनाएं लाते हैं, उनको भी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में कर्मचारियों अधिकारियों को उत्कृष्ट पुरस्कार दिए, और इसी क्रम में यहाँ उमरिया में माननीय विधायक बांधवगढ़ नारायण जी के मुख्य अतिथि में यहाँ पुरस्कार वितरण किए गए, और इस प्रकार 7 दिवसीय समारोह का मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे रंगारंग कार्यक्रम, खेलकूद, कई प्रतियोगिताएं रखी गई। आज उसका रंगारंग कार्यक्रम समापन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से, माननीय राज्यपाल जी और हम सब यहाँ पे अपने उमरिया जिले में जो अच्छे जो खेलकूद पे आए, उनके प्रमाण पत्र और जो स्व सहायता समूह है, अन्य कोई संस्था है, अच्छा काम कर रही है, उनको भी हमने सम्मान किया है। आज वास्तव में मध्य प्रदेश 7वें दिन एक हर्ष उल्लास के साथ समापन दिवस मनाया था। मेरा नाम भरत लाल साहू है, मैं दिव्यांग हूँ। मैं उमरिया सामुदायिक भवन में विधायक महोदय जी द्वारा और कलेक्टर महोदय जी द्वारा मेरे को ट्राईसाइकिल वितरित